गुड मॉर्निंग एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद आवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है दैट इज रेगुलेशन 21, बोर्ड राइट टू इंस्पेक्ट। जो बोर्ड है, बोर्ड का यहाँ मतलब है सेबी से। जो बोर्ड है वो अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इंस्पेक्शन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, रिकॉर्ड्स की, डॉक्यूमेंट्स की, जो भी कस्टोडियन के हैं। ये इंश्योर करने के लिए, किस पर्पस के लिए? ये इंश्योर करने के लिए कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कस्टोडियन ने स्पेसिफाइड मैनर में मेंटेन किए हैं। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई भी कंप्लेंट अगर रिसीव होती है इन्वेस्टर से, क्लाइंट से या किसी और पर्सन से, किसी भी मैटर में जिसका जो रिलेशन है वो एक्टिविटीज ऑफ कस्टोडियन से है, देन ये असर्टेन करने के लिए कि जो प्रोविजन्स है एक्ट के और जो उसकी रेगुलेशंस हैं वो आपने फुलफिल की हैं या नहीं है। इन्वेस्टिगेट कर सकता है अपने आप, खुद भी सुओ मोटो लेके इन दी अफेयर्स ऑफ कस्टोडियन, अगर वो इंटरेस्ट में है सिक्योरिटीज मार्केट के और इन्वेस्टर्स के। देन रेगुलेशन 22, नोटिस बिफोर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करने से पहले जो बोर्ड है वो एटलीस्ट 10 डेज का नोटिस देगा कस्टोडियन को। अगर बोर्ड सेटिस्फाई है कि ऐसा नोटिस नहीं देना चाहिए इंस्पेक्शन से पहले और ये इंटरेस्ट में है इन्वेस्टर्स के, तो जो बोर्ड है वो बिना नोटिस दिए भी इंस्पेक्शन कर सकता है। और ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन पीरियड जो कस्टोडियन है, जो भी ऑब्लिगेशंस उसकी हैं अंडर रेगुलेशन 23, उसको डिस्चार्ज करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है दैट इज रेगुलेशन 23, ऑब्लिगेशन ऑफ द कस्टोडियन ऑन इंस्पेक्शन बाय द बोर्ड। कि जब बोर्ड इंस्पेक्शन करता है तो जो कस्टोडियन है उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशन है। ये ड्यूटी है कस्टोडियन की, उसके हर एक डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय की, कि वो प्रोड्यूस करे बुक्स, सिक्योरिटीज, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी उसकी कस्टडी में है और कंट्रोल में है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, और जो भी सारी फर्दर स्टेटमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड है उसकी कस्टोडियन एक्टिविटीज से इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जिस टाइम पे चाहता है, जैसे चाहता है, उसको फर्निश करनी पड़ेंगी। जो कस्टोडियन है वो अलाउ करेगा इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को कि वो उसे रीजनेबल असेस देगा। अलाउ का क्या करेगा कि उसे अपने प्रेमिसेस में वो इंस्पेक्शन करने देगा या कोई भी दूसरे पर्सन को ऑन हिज बिहाफ, और वो जो भी रीजनेबल फैसिलिटी है बुक्स को एग्जामिन करने की, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर डाटा जो भी इन पोसेशन है कस्टेडियन के या अदर पर्सन के, उसको एग्जामिन करने की वो जो फैसिलिटी है देगा और प्रोवाइड करवाएगा सभी कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की, अदर मटेरियल्स की जो भी रेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो एंटाइटल्ड है एग्जामिन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट किसी भी डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय की जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज का है, और ये ड्यूटी है हर एक डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय की कस्टोडियन के कि वो सारी असिस्टेंस देगा इंस्पेक्शन में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट जो है दैट इज सबमिशन ऑफ रिपोर्ट टू बोर्ड, रेगुलेशन 24। इंस्पेक्शन की कंप्लीशन पर जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा बोर्ड को एज सून एज पॉसिबल। देन नेक्स्ट इज रेगुलेशन 25, इंस्पेक्शन एक्शन ऑन इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट रिसीव करने के बाद जो बोर्ड है या जो चेयरमैन है, जो उन्हें एक्शन ठीक लगता है, फिट और अप्रोप्रिएट लगता है, इंक्लूडिंग वो एक्शंस भी जो चैप्टर 5 ऑफ सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन 2008 में दिए गए हैं, वो ले सकता है। नेक्स्ट इज रेगुलेशन 25A, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। जो बोर्ड है उसके पास पावर है अपॉइंट करने की ऑडिटर को, जो इंस्पेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स या जो भी अफेयर्स एप्लीकेंट या कस्टडियन के हैं। पावर्स जो ऑडिटर की हैं वो सेम होंगी जो एक इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की होगी। देन बोर्ड टू रिकवर द एक्सपेंसेस, रेगुलेशन 25B। जो बोर्ड है वो इंटाइटल है जो भी एक्सपेंसेस उसके हुए हैं वो रिकवर करने के लिए, इंक्लूडिंग जो भी उसने फी पे की है ऑडिटर को, वो रिकवर कर सकता है उन एक्सपेंसेस को कस्टोडियन या एप्लीकेंट से। देन लाइबिलिटी फॉर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, रेगुलेशन 26। एक जो कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज है
उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, लायबिलिटी उसके ऊपर है फॉर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कब, जब वो कोई भी प्रोविजन जो एक्ट का है उसे कॉन्ट्रावेन करता है, तोड़ता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्हें तोड़ता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज एक्टिविटी जो भी एज कस्टडियन वो कर रहा है, जो बोर्ड को चाहिए वो उसे फर्निश नहीं करता है, या बोर्ड को जो इंफॉर्मेशन वो फर्निश कर रहा है वो फॉल्स है, मिसलीडिंग है किसी पर्टिकुलर मटेरियल से रिगार्डिंग, या वो पीरियोडिक रिटर्न्स और रिपोर्ट्स जैसे बोर्ड को चाहिए वो सबमिट नहीं करता है, या जो भी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन बोर्ड कंडक्ट कर रहा है उसमें वो कॉपरेट नहीं करता है, तो उसके ऊपर इन केसेस में लायबिलिटी है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 26। तो ये इसके साथ जो रेगुलेशन 26 है इसके साथ आपका जो चैप्टर है कस्टोडियन ऑफ सर्विसेज का वो खत्म हुआ। टोटल रेगुलेशन 26 आपने इसमें पढ़ी है और रेगुलेशन 3 से हमने शुरू किया था। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, what do you mean by custodian of securities, what are the functions of custodial services, provide their code of conduct। to iske sath ye jo chapter hai wo complete hota hai। thank you so much।